बस नौमी की स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ आप पर एक अप्रैल का आपका हिंदी पेपर लिख के आ चुके हैं साथ ही स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर इस, इस पे याद कर लेते हैं तो आपके जो आपका पूरा 75 नंबर का 75 में आपकी 70 नंबर आने वाले इस पे के याद करने एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल काजिए पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा ऐसा नहीं चलेगा ऐसा नहीं चलेगा के बाद साथ पूरा पेपर हमें आपके यहाँ पर संपूर्ण सहित कराने वाले तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना साथ ही हम पूरी कोशिश करने वाले हैं कि आपकी पचहत्तर में पचहत्तर ही आए ठीक है तो पूरा आपका पेपर आ आप चुका है एक अप्रेल का आपका हिंदी का साथ ही इस पेपर पूरा आपको यहाँ पर रख लेना ठीक है पूरा पेपर तो आप आपके यहाँ पर संपूर्ण सहित कराया जाएगा ठीक है तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपके यहाँ पर समय रहने वाला तीन घंटे का और आपका यहाँ पर मार्क्स रहेगा पचहत्तर नंबर का यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं और आपके निर्देश आते हैं तो निर्देश सही प्रश्न हल करना निभा देख लीजिए अच्छी तरह से तो फाइनली पूरा पेपर आपका यहाँ पर लेके आ चुके हैं कक्षा नौवीं के यहाँ पर एक अप्रैल का हिंदी पेपर तो वीडियो को लाइक कर लीजिए सदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ अच्छा नवी का यहाँ पर जो हिंदी पेपर चलिए वो देख लेते हैं तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते पहले तो आपके यहाँ पर सही पेपर आते हैं छः नंबर के तो पूरा हम पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल से कराएंगे तो आपको वीडियो को अच्छे से देखना सारी सुनना जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है तो पहला आता हिंदी साहित्य

तो अच्छे से याद कर लीजिए ठीक है बुक आपके आने वाले हैं पूरे ऑब्जेक्ट अगर आप यहाँ पर इसे अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाओगे यहाँ पर हिंदी पेपर में तीसरा आता है झूड़ी ने दो बेलों को कहाँ भेज दिया मौसी के घर दादी के घर ससुराल और नानी के घर तो यहाँ पर झूरी ने दो दोनों बेलों को कहाँ भेज दिया इसका आंसर आपको हो जाएगा तीसरे का सा ससुराल ठीक है अब चलिए आपको चौथा देख लेते हैं तो स्टूडेंट आपको चौथा आता है नानी के पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर ब्रेस्टरी पढ़ने चले गए थे जबलपुर जापान और रूस और बिलायात तो यहाँ पर नानी के पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर ब्रेस्टरी पढ़ने चले गए थे तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा इसका आंसर आपके यहाँ आप पर हो जाएगा ठीक है बिलायात ठीक है बिलायात आपके यहाँ पर चौथे गद्दा करेक्ट आंसर हो जाएगा फिर आपका पाँचवा आता मुई के खाना का अर्थ है तो आपका हार मानना घूमना घर जाना और भागना तो यहाँ मुइगी खाना का अर्थ है आपका यहाँ पर हार मानना ठीक है पाँच मिनट का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथ ही इस जो आपका चौथे का आंसर हमने बताया बिलायत आ, अगर मैंने जो इसका आंसर गलत बताया हो तो इसका आंसर अगर आपको सही पता हो तो कमेंट में लिख देना क्योंकि थोड़ी इसमें मुझे डाउट है तो इसका आंसर जिससे सही से पता हो चौथे का आंसर तो वो यहाँ पर कमेंट में लिखना ठीक है और छः माता रस कान किस भक्ति सागर का भी है राम भक्ति सागर के शिव भक्ति सागर के और कृष्ण भक्ति सागर के या प्रेम भाग सगा के तो यहाँ पर रस कम किस भक्ति शाखा का भी है तो छः में का आंसर तो आपके यहाँ पर सा कृष्ण भक्ति शाखा तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो छः नंबर के आपके यहाँ पर दिए सही बुक आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं फिर से देख लीजिए आप यहाँ पर थे आपको पहले क्या यहाँ हिंदी साहित्य का स्वर्ण मना गया भक्ति भक्तिगढ़ को और छंद के पर्दे समय आने वाला ब्रम कला ऐति और झूठ ने दो बैलों को कहाँ भेज दिया ससुराल और चौथा आता है तो चौथा आप यहाँ पर देख तो पाँचवा आता मुर्गी खाना का अर्थ है हार मानना और छः में आपका आता है रसकान किस भक्ति चाहा कवि हैं तो इसका हुआ कृष्ण भक्ति चाह का और चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान ठीक तो है तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं पहला आता है यहाँ पर मखमली टमाटर हुए डॉट डॉट लाल या पीले तो आपको यहाँ पर आपको पता हुआ कि आपको यहाँ पर पे हिंदी पेपर में जो आपके रेगिस्तान आते हैं उसमें आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे तो पहला आता मखमली टमाटर हुए तो इसमें आपको यहाँ पर लाल भर देना ठीक है पहले में आपका लाल हो जाएगा फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है बी रस का आस्ताई भाव डॉट डॉट है तो बी रस का जो स्थायी भाव है वो उत्साह है ठीक है बी रस का अस्थाई भाव उत्साह है तो इसमें आपको उत्साह भर देना है और तीसरा आता फोटो ठीक है आप देते हैं फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी जो डॉट भी थी बेटा या पत्नी तो यहाँ पर फोटो में प्रेमचंद के साथ उनकी पत्नी भी पत्नी भी है ठीक है पत्नी भर देना आपको तीसरे में पहले में आपको लाल भर देना दूसरे में आपको उत्साह है और तीसरे में आपको पत्नी तो इनके जो स्क्रीन शॉट वो आप ले लीजिए ठीक है आपके रेगिस्तान करा छः नंबर के आपके रेगिस्तान आते हैं तीन करा दिए और साथ ही यहाँ पर ठीक है आप पहले तो आप यहाँ पर स्क्रीन शॉट कर लीजिए इस पूरी पेज का अच्छे से स्क्रीन शॉट खा लीजिए आप चलिए आपको चौथा यहाँ पर रेगिस्तान आता है शब्दांश जो शब्द बनाते समय आराम में है। लगते हैं दोनों शब्द कहलाते हैं ऑप्शन कहलाते हैं प्रत्यय है। तो यहाँ पर जो शब्दांश यहाँ पर शब्द के आगे लगती हैं उन्हें कहते हैं ऑप्शर्ग ठीक है इसमें आपको अपसर्ग भर देना है पाँच माता रेणु का पूरा नाम है बागेश्वर नाथ रेणु या फीश्वर नाथ रेणु तो यहाँ रेणु का पूरा नाम है आपका नाथ रेणु आपको यहाँ पर पाँच में फरीशोर नाथ रेणु रैणु भरदना और छ माँ रस को काब्बी दोनों बताया गया तो यहाँ पर रस को काव्य की आत्मा ठीक है आत्मा बताया गया तो इस तरह से आपके यहाँ पर जाते रेगिस्तान कम्प्लीट फिर से देख लीजिए आपके यहाँ पर भर देना चौथे में अवसर्ग और पाँच में आपको फरीश और नाथ रेणु और छः में भर देना आपको आत्मा फिर आपके यहाँ पर आती है सयोनी ठीक है तो सयोनी आपके यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टूडेंट आप यहाँ पर पहले आपकी कॉलम आवा में आपकी दी है सयोनी पहले आती है आपकी रामचंदित मानस तो रामचंद मनोस आपके यहाँ पर तुलसिया ठीक है जो यहाँ पर रामचैत मनोज के रचयता है वो है तुलसिया तो आपके यहाँ पर दूसरी साथ मैच कर देनी पहली और दूसरी साथ रस के अंक तो रस के अंक कितने होते हैं चार होते हैं तो इसे आपको चार से मैच कर देना सॉरी यहाँ पर दूसरा दो दो लिखना है ठीक है आपको दूसरी साइड उड़ी है रस के अंक आपके यहाँ पर होते हैं चार और फिर आपकी जो महादेव वर्मा है तो महादेव वर्मा आपके यहाँ पर जो महा महादेव वर्मा की जो यहाँ पर रचना है वो है निहार और रस में तीसरी आपके यहाँ पर निहार रश्मि से मैच करा देनी है जो भूमि आती है भूमि को यहाँ पर धरा कहते हैं तो ये आपको यहाँ पर चौथी धरा से मैच कर देनी है तो पाँच में आती है रीढ़ हड्डी तो इसे मैच कर देना आपके यहाँ पर जगदीश चंद्र माथुर से यहाँ पर देख लीजिए और छः में आती कामायनी कामायनी कामा आपकी हुई महाकाव तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सयोनी वो कम्पलीट हो जाती है फिर से देख लीजिए तो फिर से आप यहाँ पर रामचरित मनस आपके यहाँ पर तुलसीदास और रस के अंग आपके होते हैं चार महादेव वर्मा आपकी आप यहाँ निहार रस्म भूमि आपकी धरा हो जाएगी और हड्डी आपकी जगदीश चंद्र माथुर और कांवर आपकी महाकाल तो इस तरह से आपकी जो सहयोगी वो कंप्लीट हो जाती है साथ ही जो इनके स्क्रीन शॉट वो ले लीजिए अब आपके यहाँ पर आते हैं एक साथ में होता है जो छह नंबर के आते हैं तो पहला आता साकेत किसकी रचना है तो स्टूडेंट आपका पहला आता है साकेत किसकी रचना चलिए इसका आंसर देख लेते तो जो यहाँ पर साकेत रचना वो है मैथिली चरण गुप्त की ठीक है पहले का आंसर आपको मैथिली चरण गुप्त जो यहाँ पर साकेत किसी रचना है तो मैथिली चरण गुप्त की रचना है दूसरा आता है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएँ होती हैं तो दोहा के प्रथम चरण में यहाँ पर होती हैं ग्यारह मात्राएँ तो दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर ग्यारह मात्रा हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए ठीक है दूसरे का आंसर आपके ग्यारह मात्रा हो जाएगा तीसरा आता है हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है तो हिंदी का उपन्यास सम्राट यहाँ पर कहा जाता है प्रेमचंद को तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर प्रेमचंद हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए हम आपको काफ़ी में इसलिए देख लेके दिखा रहा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सकती है आप अच्छी तरह देख पाएँ और फिर आपको चौथा यहाँ पर आता है चौथा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं तो यहाँ पर तीन प्रकार के होते हैं ठीक है तीन प्रकार तो आपका चौथे का आंसर हो जाता तीन प्रकार के होते हैं और फिर आपका पाँचवा आता पान खाने वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी तो इसका आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा लोग बाढ़ देखने के लिए जमा हो रहे थे ठीक है लोग बाढ़ देखने के लिए जमा हो रहे थे आपका पाँचवीं का आंसर हो जाएगा और ठीक है सॉरी आपका यहाँ पर पाँचवीं का आंसर हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो अब चलिए स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख लेते हैं अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट आता है लोक में पिछले उक्ति क्या कहलाती है ठीक है लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है तो यहाँ पर लोक उक्ति कहलाती है ठीक है लोग में प्रचित उक्ति कहलाती है लोक उक्ति तो पहला आपका यहाँ पर आता है साकेत किसी किसकी रचना तो यहाँ पर साकेत मैथिली गुप्त की रचना अच्छी तरह सुन लीजिए और दोहा प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है तो यहाँ पर दोहा के प्रथम चरण में यहाँ पर ग्यारह मात्राएं होती हैं और हिंदी का है सम्राट प्रेमचंद को माना गया ठीक है माना जाता है और रचना के आधार भाक्य के कितने भेद होते हैं तो रचना के आधार बाकी के तीन भेद होते हैं और पन प, पन खाने पन आप देखते पन वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी तो यहाँ पर बाढ़ देखने के लिए लोग जमा हो रहे थे और छः लोक में पिछले उक्ति कहलाती है तो लोक में पिचले उक्ति लोक उक्ति कहलाती है तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक से साथ बाकी माता कंप्लीट हो जाते हैं साथ ही उनका स्क्रीन शॉट वो आप ले लीजिए अब आपके यहाँ पर आते छः नंबर की आपके सत असत आते हैं तो पहला आता तुलसीदास है तुलसीदास है यहाँ पर देखते हैं तुलसीदास आपका आता हैीतिकाल की कवि हैं तो पहला आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य ठीक है दूसरी या यहाँ भक्ति काल की कभी तो आपके यहाँ तो 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 hmm. तो hmm. तो पर असत्य हो जाएगा पहला दूसरा आपके यहाँ पर आता रस रसयुक्त बाक ही कब है कृष्ण आचार्य विश्वनाथ का है तो ये भी आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा ठीक है दूसरा आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा फिर आपका तीसरा आता गांधी के गांधी जी के अनुसार हमें अपनी बुनियाद पर कायम रहना चाहिए तो तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा ठीक है तीसरा आपका सत्य हो जाएगा अब चलिए आपको चौथा यहाँ पर आता है चौथा आपके यहाँ बेचार में बिमय के माध्यम को भाषा कहते हैं तो यहाँ पर बेचार में बिनम के माध्यम को भाषा ही कहते हैं तो चौथे का आंसर अभी आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा पहला आपका सत्य हो जाएगा दूसरा आपका रहे तीसरा सत रहेगा तीसरा सत्य और चौथा सत अब पाँचवा दिख लेते हैं तो पाँचवा दिखने से पहले आप यहाँ पर इनका स्क्रीन शॉट वहाँ ले लीजिए ठीक है स्क्रीन शॉट आप यहाँ पर अच्छी तरह से घाल लीजिए ठीक है पूरा पिच का अच्छी तरह से आपके यहाँ पर स्क्रीन शॉट घाल लेना चलिए आपके यहाँ पर दिख लेते हैं पाँच तो स्टूडेंट आपका यहाँ आता है तो आप यहाँ पर देख लीजिए फरीश्वर नाथ रेणु ने आप यहाँ पे फड़ीश्वर नाथ रेणु ने रिपोताज के अलावा पर भी लिखे हैं तो इसका आंसर आपको हो जाएगा असत्य ठीक है पाँच आपका असत्य हो जाएगा और आपका छः यहाँ पर आता है रामचरित मानस एक खंड काव्य है तो ये भी आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा तो आप यहाँ बोलते पहला आपके यहाँ पर असत्य रहेगा दूसरा आपका सत्य रहेगा तीसरा सत्र रहेगा चौथा सत रहेगा पाँचवा सत्तर रहेगा छः मां सत्य रहेगा रहे तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्त असत कम्प्लीट हो जाते हैं साथ ही जो सत्त असत का स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए ठीक है हम आपको यहाँ पर सत्त असत का सोलूशन दिखा रहे हैं तो स्क्रीन शॉप ले लीजिए जिससे आपको रिवाइज करने में आसान जाएगी और साथ ही जो आपके एक साथ बाग में होता है उनका भी यहाँ पर स्क्रीन शॉट आप ले लीजिए ये आपका एक साथ बाग में होता का सोल्यूशन ठीक है तो फाइनली आपकी जो पूरी ऑब्जेक्ट है वो आपकी हो चुके हैं साथ ही जो स्टूडेंट आपके क्वेश्चन है यहाँ पर छः से लेकर तेईस तक उन जो आपके क्वेश्चन है यहाँ पर यहाँ पर छः से लेकर तेईस तक वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि वीडियो काफी लॉन्ग हो चुका है साथ ही यहाँ आप, पर आप, आप काफी बोरिंग हो जाए तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सबसे कर लीजिए तो नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत ही जल्द आने वाला जिसमें आपको पूरी क्वेश्चन यहाँ पर संपूर्ण हर्षित कराए जाएंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सबसे लीजिए तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जब तक के लिए जय जय जा भारत